नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। कुछ साल पहले दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति को देखने के लिए लोगों को चीन जाना पड़ता था, लेकिन पीएम मोदी ने देश के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में ऐसी मूर्ति बनवाई कि अब दुनिया से लोगों को सबसे ऊंची मूर्ति देखने के लिए भारत के गुजरात में आना पड़ता है, जिसे सब स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। देश में स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ ही आदियोगी शिवा की मूर्ति, भगवान राम की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, तमाम ऐसी मूर्तियों में अब एक और नाम जुड़ने जा रहा है। इस नई मूर्ति का निर्माण कोई और नहीं बल्कि सूबे के CM योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि ये नई मूर्ति किसकी है, किसी भगवान या फिर किसी जननायक, या ये मूर्ति कितनी ऊंची है और प्रदेश के किस भाग में बनेगी। तो बता दें कि CM योगी हाल ही में चौरी चौरा महोत्सव में शामिल होने गोरखपुर गए थे, जहां वो महोत्सव में शामिल होने के साथ ही वहीं पास में राप्ती नदी के पास हो रहे सरकारी निर्माण का भी दौरा किया, ये जानने के लिए कि जिस तरह से नक्शा तैयार किया गया है सब कुछ वैसा ही चल रहा है या फिर नहीं। CM योगी राप्ती नदी के किनारे राजघाट और रामघाट पर पहुंचे और वहां उन्होंने राजघाट पर भगवान शिव के सम्मान में 30 फीट ऊंची मूर्ति बनाने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया। राजघाट पर शिव की मूर्ति गोरखपुर के बढ़लगंज और सहनवा के मुक्ति पथ के तर्ज पर ही बनेगा। CM योगी का आदेश निकलते ही अब अधिकारियों ने प्रतिमा बनाने और स्थापना करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भगवान शिव की 30 फीट की मूर्ति लगने से शहर की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे और दूसरे कस्बों से जब लोग मूर्ति को देखने यहाँ आएंगे तो स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन के माध्यम से रोजगार भी उपलब्ध होंगे। इसी के साथ भगवान शिव की बनने वाली इस मूर्ति से जुड़ी इस खबर में इतना ही। कैसी लगी आपको ये खबर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज यूपी। धन्यवाद।